मियांवाली पिंडी रोड प्रभा खेर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के सात अफराद जाबहक। हादसा वैन और ट्रक में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। एक ही खानदान के सात अफराद जाबहक होने से इलाके में सफे मातम बिछ गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्रैफिक हादसे का नोटिस। जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बिहारी दौलताबाद में जहरीली मिठाई खाने से 11 मजदूरों की हालत गैर। मजदूरों को डीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मजदूरों की हालत तश्वीशनाक है, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मियांवाली एमएम रोड 14 DB चौक के जंगलात में लगी आग पे काबू। चार रोज बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। जंगल का बेशतर हिस्सा आग से मुतासिर। फायर ब्रिगेड और महकमा जंगलात आग पर काबू पाने में मसरूफ। जंगलात में लकड़ी चोरी को छुपाने के लिए आग लगाई गई। मोटे तने वाले सफेदे जंगल से गायब। इलाका मकीनों का इल्जाम। बाबलपुर शहर एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया। 40,000 लीटर पेट्रोल की गाड़ी से पंप के टैंक में फ्यूल शिफ्ट करते हुए आग लग गई, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। जनूबी पंजाब के आवाम के वारे न्यारे। एक के बाद एक मंसूबे का इफ्तिताह होने लगा। वज़ीर आज़म शाह खकान अब्बासी ने 294 अरब की लागत से तैयार होने वाली 33 किलोमीटर तवील मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 शुजाबाद सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कोट मिठन में दराय सिंध पर 8 अरब लागत से तैयार शहीद बेंजर भुट्टो पुल मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुखालफिन को खूब आड़े हाथों भी लिया। बोले, वफादारियां तब्दील करने वालों को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। इलेक्शन करीब आते ही मुखालफिन को जनूबी पंजाब सूबा याद आ गया। एक तरफ खिदमत शराफत तरक्की की सियासत है, तो दूसरी जानिब गाली इल्जामात और पगड़ी उछालने की सियासत है। कहा, हमने कभी किसी को गैर जमहूरी कुव्वत का साथ नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब के लिए जो किया वो 1,560 साल में मिलकर ना कर सके। हुकूमत खत्म होने में चंद रोज बाकी। जल्दी में नामुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह किया जाने लगा। वज़ीर आज़म शाह खकान अब्बासी ने नामुकम्मल शहीद बेनजीर पुल अपर विच रोड चाचड़ा शरीफ का इफ्तिताह कर दिया। हमें कानून के आगे सर झुकाना होगा। कौमें तभी बनती हैं। नैब ने मुझे बुलाया, दोबारा भी बुलाना चाहे तो बुला सकता है। शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। बोले, नैब आईनी इदारा है, जिसको चाहे बुला सकता है। जनूबी पंजाब का ढिंढोरा पीटने वालों, तुमने क्या किया? सुन लो, जनूबी पंजाब का और मेरा जो रिश्ता बन गया है वो मौत ही तोड़ सकती है। कहा, नून लीग के दौर हुकूमत में जनूबी पंजाब की तरक्की एक मिसाल बन चुकी है। मुजफ्फरगढ़ के बासियों की भी सुनी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डीएचके अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 53 करोड़ 30 लाख की लागत से ट्रामा सेंटर, सिटी स्कैन मशीन और हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल के तौसी मंसूबे का भी इफ्तिताह हो गया। अस्पताल को 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से 140 से 380 बेड की तौसी दी गई। वज़ीर-ए-आला बोले, पंजाब के 26 डीएचके अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनें लगाई हैं। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब लेकर आए। लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलती हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर भी वज़ीर-ए-आला के हमराह थे। जनाब, बिल हेवे? वज़ीर-ए-आला का सवाल। जी हां साईं, मरीज का खुश दिली से जवाब। वज़ीर-ए-आला की डीएचके अस्पताल में इफ्तिताह के मौके पर मुअम्मर मरीज से तराइकी में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की वार्ड्स में दाखिल मरीजों की इयादत अहवाल दरियाफ्त किया। एमरजेंसी ओपीडी ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया। सर्किट हाउस बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का आला सतही इजलास।
میر بہاولپور اکیلہ جم ہاشمی مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما تہمینہ دولتانہ اور چوہدری سعود مجید کی شرکت اجلاس میڈوین بھر میں پارٹی کے سیاسی حالات کے حوالے سے مشاورت کی گئی بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی بولے اپنا حق لینے کے لیے تانسا براج کے درے بھی کھولنے پڑے تو کھول دیں گے اگلے 70 گھنٹے کا الٹی میٹم دے رہا ہوں کمیشنر ڈیرہ غازی خان کو سیکٹری ایریگیشن پنجاب کو چیف سیکٹری پنجاب کو ڈی سی مظفرگر کو اور چیف انجینئر انہار ڈیرہ غازی خان کو کہ ہماری نہریں چلا دیں ورنہ ہم اپنا قانونی حق مانگیں گے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے ہم انشاءاللہ اپنا حق ہم پاکستانی ہیں ہم چاروں طرف میں سڑکیں بلاک کروں گا اور بلوچستان خیبر پختونخوا سے آنے والی گاڑیاں لاہور کی طرف آئیں گی ہم احتجاج کریں گے احتجاجاً بند کریں گے اور میرے اس الٹی میٹم کو مذاق نہ سمجھے کہ ہم قانونی حق لیں گے میں خود جا کے پھر نہریں کھولوں گا اور میں عوام کے ساتھ ظلم جبر برداشت نہیں کروں گا اور ملتان میں وزیراعظم کی آمد پر پنجال میں داخل نہ ہونے پر لیگی ایم پی رانا طاہر شبیر کا کارکنوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ ضلع انتظامیہ اور پارٹی قیادت کے خلاف نعرے پاتے